आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं आपको आलू टमाटर की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने गैस पर कुकर रख दिया है और अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। थोड़ा सा एक चम्मच तेल डाला मैंने। इसमें जब ये गर्म हो जाएगा तो थोड़ा गर्म होगा तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा डाल देंगे और जब जीरा सुनहरा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, मेरा ब्राउन जीरा ब्राउन होने का इंतजार कर रही हूँ मैं। क्या है इतना, ये बताओ ना। ये मैंने 4-5 टमाटर पीस लिए हैं, पहले ही ग्राइंडर करके रख लिए हैं और ऐसे ही मैंने आलू भी 4-5 आलू काट के धो के रख लिए हैं। अब मेरा जीरा ब्राउन हो गया है तो मैं एक टमाटर पिसे हुए टमाटर इसके अंदर डाल देती हूँ। मैंने ये इसके अंदर टमाटर डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, आधा चम्मच लाल मिर्च डाल दूंगी, थोड़ी सी देखी मिर्च डाल दूंगी मैं इसके अंदर। खूब अच्छी तरह से इसको मैं भून लूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको ये आलू टमाटर की सब्जी बनाना बताऊंगी। जब ये टमाटर अच्छी तरह से भून जाएंगे, इसमें आलू हमें तभी डालने हैं। हम मेरे टमाटर भुनने वाले हैं। सब्जी सभी को पसंद आती है, खट्टी खट्टी सभी चीज की, पूरी हो, पराठे हो, कचौरी है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आती है। बच्चों के हिसाब से मिर्ची आप कम बढ़ती कर सकते हैं। अब ये मेरे टमाटर भून गए हैं और मैं आलू इसके अंदर डाल रही हूँ। वो मैंने पहले से ही धोकर रख लिए थे। ये मैं 4-5 आदमियों के लिए सब्जी बना रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक डाल दिया है, पहले से ही मैंने काट के रख रखा था आधा पीस अदरक का। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से भून लूंगी। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना लूंगी सब्जी। मेरी सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है, आप भी खाएंगे तो आपको भी पसंद आएगी। अब मैं इसमें एक गिलास पानी डाल दूंगी। गाढ़ी या पतली वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक चम्मच में नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच। मेरी बड़ी चम्मच है तो मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। सब्जी आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। मैंने एक सीटी देकर इसको बाउल में पलट लिया है। अब मैं इसको सब्जी को अच्छा सा लुक देना चाहती हूँ, अच्छा सा लुक दे रही हूँ मैं आपको। ये मैंने इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पहले ही काट के रखा हुआ था वो डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी है ये रन करके ये डाल दी है। इससे स्वाद भी बढ़ेगा सब्जी का और देखने में भी सुंदर लगेगी। तो ये आप अपने घर में भी बना सकते हैं, कोई मेहमान आए तब भी इस सब्जी को आप बना के खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।